हेलो फ्रेंड, मैं अनामिका। वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको बहुत ही सुंदर ये गर्ल्स की स्कर्ट बताने वाली हूँ और ये बहुत प्यारी और बहुत इजी, बहुत जल्दी बनने वाली स्कर्ट है। दिखने में ये बहुत टफ डिजाइन लगेगी लेकिन बहुत ही आसानी से बन जाती है। चार लाइन की डिजाइन है, ये चार लाइन में कम्प्लीट हो जाती है और इसमें हमें 6 के मल्टीपल में ये जो चेन बनी हुई है ना, डबल क्रोशिया, वो 6 के मल्टीपल में चाहिए होंगे और प्लस 1 एक एक्स्ट्रा चाहिए होगा। तो आप उस हिसाब से मैंने इसका वीडियो डाला हुआ है। उसके स्कर्ट के ऊपर की बेल्ट दूसरी डिजाइन की थी, जो मैंने बेल्ट की अलग से वीडियो डाली हुई थी, ये मैंने बेल्ट अलग बनाई है। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और आपको नीड होगी तो मैं कमेंट सेक्शन में भी डाल दूंगी। अगर फिर भी आपको समझ नहीं आए तो मैं फिर से वीडियो इसका पूरा एक बना के डाल दूंगी। और मैंने इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 लाइन बनाई है। आप लेंथ इसकी बढ़ा सकते हो और इसकी चौड़ाई भी आप चाहे तो बढ़ा सकते हो। इसके बीच का जो ये है, इसमें 9 डबल क्रोशिया जो बनती है, इसको आप 10-11 कर करके आप बढ़ा सकते हो अगर आपको ब्रिथ ज़्यादा चौड़ी चाहिए स्कर्ट की तो। लेकिन मैंने ये शॉर्ट स्कर्ट बनाई है तो मैंने इसकी लेंथ रखी है 14.5 इंची। मैं पूरा मेजरमेंट आपको अभी इसका बताती हूँ। इस स्कर्ट की ब्रिथ बनी है 10 इंच। 10 इंच में मैंने इसमें 106 चेन ली थी, 106 चेन लेके और इसकी मैंने 4 इंच चौड़ी बॉर्डर बना ली है। 4.25 इंच के लगभग है, 4.25 इंच चौड़ी बॉर्डर बना ली। आप इसकी लेंथ जितनी चाहे उतनी बना सकते हो और इसका मैंने फ्रंट पोस्ट और बैक पोस्ट करके बॉर्डर बनाया है और साइड में ग्रीन से मैंने बॉर्डर दिया है, आउटलाइन दिया है। आप एक बार वो वीडियो देख लेना, अगर आपको समझ नहीं आए तो मैं फिर से वीडियो डाल दूंगी, नई वीडियो अगर आपकी नीड होगी तो। तो आप इसको बना के एक बार ज़रूर ट्राई करना, बहुत प्यारी बहुत सुंदर। अगर आपकी छोटी सी बच्ची है तो उसको बहुत ही प्यारी लगती है। मैंने तो मेरी भतीजी के लिए बनाई है ये। तो इसकी जो स्कर्ट की जो लेंथ है, टोटल लेंथ इसकी बन रही है हमारी 14.5 इंच। आप 15 इंच मान के चलो, 15 इंच की हमारी ये लेंथ इसकी बन रही है टोटल, 6 लाइन बनाने के बाद और इसकी 4.25 इंच ये के बाद। और इसकी चौड़ाई टोटल हो रही है, ऊपर स्कर्ट की चौड़ाई तो 10 इंच है और नीचे इसकी चौड़ाई बन रही है 15 इंच। नीचे इसकी चौड़ाई बन रही है 15 इंच। तो आपको जिसकी भी स्कर्ट बनानी हो उसका पहले माप ले लेना, इसका शोल्जर का माप ले लेना आप, वेस्ट का माप ले लेना। जितनी भी उनकी वेस्ट होगी, जिस भी साइज का बनाना हो उस वेस्ट के अकॉर्डिंग आप जितनी वेस्ट की ये होगी। इसकी वेस्ट थी 22 इंच टोटल इसकी वेस्ट बन रही थी। तो मैंने इसकी 10 इंच बनाई है क्योंकि 10.5 इंच बनाई है क्योंकि ये ऐसे स्ट्रेच होती है, ये डिजाइन ऐसी है, ये स्ट्रेच होके ये फैलेगी तो कमर में अगर ज़्यादा लूज हो जाएगी तो दिक्कत होती है। इसलिए ये स्ट्रेच के हिसाब से आपका 1 इंच तो ये फैलता भी है। तो आप उस हिसाब से मेजर करके बना लेना। अगर आपको ज़्यादा इसमें लगे कि छोटा बड़ा हो जाए तो आप इसमें इलास्टिक भी लगा सकते हो। मैंने इलास्टिक वाली बेल्ट वाली भी वीडियो डाली हुई है, आप वो वीडियो भी जो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूंगी उसमें जो बेल्ट है वो डबल वाली बेल्ट है जिसमें अंदर मैंने इलास्टिक लगा रखी है। आप मेरे वीडियो पर बने रहे, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। तो मैं आपको आगे नए नए वीडियोज, काफ़ी नई चीज़ें मैं डालती रहती हूँ। मैं पुरानी जीन्स से या पुराने कपड़े से डोरमेट्स बनाना, क्रोशिए का अभी मैं एक ये बना रही हूँ, थालपोश बना रही हूँ, वो सब मैं काफ़ी नए नए डिज़ाइन के थालपोश डालूंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल पर बने रहें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर ज़रूर करें ताकि और भी लोग बहुत कुछ सीख सकें। तो आप गर्मियों में ये चीज़ आराम से बना सकते हैं, इजीली क्रोशिया की चीज़ आराम से बन जाती है। आप इसे धागे से भी बना सकते हैं, कॉटन धागे से जो बनती है गर्ल्स के लिए ये बहुत प्यारी लगती है। आजकल तो कलरफुल धागे आने लग गए हैं, पहले सिर्फ वाइट धागे आते थे और ब्लैक धागे होते थे, बस उसी से बनते थे, बट अब तो ये कलरफुल धागे से भी बन जाती है। अभी तो लॉकडाउन की वजह से मैं ला नहीं पा रही हूँ, अदरवाइज मैं धागे का भी आपको बना के, आप सेम ऐसे ही अगर आपके यहाँ मार्केट खुल गई है तो आप सेम ऐसे ही मार्केट से लेके
आप ले सकते हैं। यहाँ चंडीगढ़ का मार्केट अभी खुला नहीं है, तो मैंने वुल से ही पहले बनाया हुआ था, तो इसी का बना के आपको ये बता रही हूँ। तो चलिए बने रहिए मेरे चैनल पर, आगे नए नए वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।